हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की हमारी कहानी है आसियाना आजकी का भाग चौंतीस अरे अनामिका तुम कब आई आंटी ने वॉशरूम से बाहर आते हुए कहा क्या आप हमारी माँ की दोस्त हैं अनामिका ने भीगी आंखों के साथ राधा को देखते हुए कहा अनामिका के मुंह से ये बात सुनकर राधा थोड़ा चौंकी और फिर शांत हो गई क्योंकि वह जानती थी एक न एक दिन ये सच अनामिका के सामने आना ही था उन्हें खामोश देकर अनामिका ने उनके पास आकर कहा बोलिए ना आंटी चुप क्यों हैं आप क्या आप हमारी माँ के दोस्त हैं हमें जो खत में ले थे वो क्या आपने ही लिखे हैं आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया आंटी बताइए ना अनामिका की आंखों में नमी और आवाज में दर्द देख कर, एक पल को राधा का दिल भी भर आया उसने अनामिका के हाथ से खत लिया और उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंकते हुए कहा इस खत की अब शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा नामिका पहले तुम शांति से बैठो राधा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड बैठ पर बैठाया और खुद उसके सामने चेयर लेकर बैठ गई उसने कुछ पल अनामिका की आँखों में देखा और फिर कहने लगी गीता से मेरी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और वहीं हम दोनों अच्छे दोस्त बने वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी उस वक्त मेरे पिताजी जबलपुर में ही रहते थे गीता पढ़ने में अच्छी थी लेकिन धीरे धीरे उसका पढ़ाई से ध्यान हटने लगा पता लगाया तो उसने मुझसे एक बात छुपाई थी वो उसी कॉलेज के साथ पढ़ने वाले किसी राजपूत लड़के से प्यार करती थी हमारे जमाने में प्रेम विवाह को मंजूरी मिलना नामुमकिन ही था उस पर गीता का ब्राह्मण परिवार से होना मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी अमर तुम्हारे पिता के प्यार में वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर एक दिन घर वालों के खिलाफ जाकर उसने अमर से शादी कर ली इस सदमे से तुम्हारे नाना जी गुजर गए और कुछ समय बाद तुम्हारे नानी भी उसकी शादी के बाद कई सालों तक मैं उससे मिल नहीं पाई मेरी शादी राकेश से हो चुकी थी और फिर कुछ सालों बाद गीता मुझे जबलपुर में मिली मैं बहुत खुश थी पर जब उसने अमर के धोखे के बारे में बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया हाँ तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया था शादी के कुछ वक्त बाद जब अमर के घर वालों ने तुम्हारी माँ को अपना लिया तब अमर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर अयासी और नशा करने लगा था वह इतना गिर गया था कि उसने कई सालों तक गीता की कोख सू नहीं रखी गीता हमेशा हमेशा के लिए वो सब छोड़कर जबलपुर चली आई तब तुम बहुत छोटी थी उस वक्त तुम्हारे पिता गीता और तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचे गीता ने उस वक्त बताया कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे पिता के हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है और तुम्हारे पिता तुम्हें उससे हथियारना चाहते हैं उसने मुझसे मदद मांगी आर्थिक मंदी के कारण मैं आकाश और आदित्य के साथ उस वक्त अपने पीहर में ही रह रही थी मैंने उसे अपने किराए के घर में रखा तभी उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर मैं राकेश के साथ इंदौर चली आई वो घर जो जबलपुर में है वो मैंने गीता के लिए छोड़ दिया लेकिन उसके बाद से हमेशा उसके संपर्क में बनी रही गीता अपनी पहचान बदल कर रहने लगी और वैसे ही तुम्हें रखा लेकिन उसने तुम्हें तुम्हारे पिता का उपनाम दिया क्योंकि वो उन्हें नहीं भूली थी कुछ वक्त बाद हमारा संपर्क सिर्फ खतों में सिमट कर रह गया और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई एक समय बाद उसने मुझे बताया कि तुम इंदौर के किसी कॉलेज में पढ़ती हो लेकिन व्यस्तताओं के चलते मैं उसके खत का जवाब नहीं दे पाई कुछ वक्त बाद पता चला कि वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में है तो मैं उससे मिलने जबलपुर चली आई उसने हमेशा तुम्हें तो खुद से दूर रखा ताकि तुम्हें तो उसकी बीमारी और परेशानियों के बारे में पता न चले उस शाम जब मैं जबलपुर पहुंची, तो देखा वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी उसका चेहरा पीला पड़ चुका था उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे वादा किया कि उसके जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। कुछ देर बाद वो जा चुकी थी और जाते जाते वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल गई थी अगली सुबह मैंने तुम्हें वहाँ पहली बार देखा था तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही हो अनामिका लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाई और वापस इंदौर चली आई यहाँ आकर तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला कि तुम अभिनी की दोस्त हो उस वक्त मैं तुम्हें यह सब बताती तो शायद तुम्हें विश्वास नहीं होता और फिर अपनी से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि तुम काफ़ी स्वाभिमानी लड़की हो इतनी आसानी से मेरी मदद नहीं लोगी मैंने ही तुम्हारे वार्डन से बात करके तुम्हें वहाँ से निकलवाया था ताकि अपनी मदद के बहाने तुम इस घर में ले आए और तुम हमेशा मेरी निगरानी में रहो जब तुम इस घर में आई तो सिर्फ तुम ही नहीं आई थी बल्कि अपने साथ अच्छा वक्त और खुशियाँ भी लेकर आई थी घर में सब तुमसे खुश रहने लगे राकेश भी तुम्हें तो बहुत चाहते हैं तुम्हारा सम्मान करते हैं आकाश जो अपने पापा से अपने और नीता के रिश्ते की बात कभी खुलकर नहीं कह पाता उसे आसान कर दिया तुमने मोना का सच सामने ले आई घर वालों के साथ साथ तुमने हर किसी का दिल जीत लिया नामिका और मेरा आदित्य उसे बदल दिया तुमने आज वो हंसता है मुस्कुराता है सबसे बात करता है ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ वक्त के लिए क्यों क्या हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें तो इस घर में नहीं रख सकती राधा ने आखिरी बात अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा हम समझे नहीं अनामिका ने पूछा इस घर की छोटी बहू बनोगी राधा ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो अनामिका का दिल तेजी से धड़क रहा था वह कुछ बोल नहीं पाई उसे खामोश देख राधा ने कहा मुझे कोई जल्दी नहीं अनामिका तुम आराम से अपना फैसला ले सकती हो आपसे एक बात पूछे अनामिका ने रुंधे हुए गले से कहा हाँ क्या हमारे पिता सच में बहुत बुरे इंसान थे शायद राधा इस बात का फैसला नहीं कर पा रही थी नहीं आंटी शायद नहीं अगर वो बुरे इंसान होते तो माँ हमें उनका उपम क्यों देती वो बुरे इंसान होते तो उस डायरी में उनका सच क्यों लिखती वो हमें उनसे अनजान भी तो रख सकती थी अनामिका उस रिश्ते की हकीकत तो मैं नहीं जानती पर इतना जानती हूँ कि तुम्हारी माँ गलत नहीं थी क्या आप मेरे पापा को जानती हैं राधा खामोश हो गई तो अनामिका ने कहा बताइए ना आंटी क्या आप उन्हें जानती हैं हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी माँ के साथ ऐसा क्यों किया अनामिका को परेशान देखकर राधा ने अनामिका का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा उस रात जिसने तुम्हें बचाया था वही है अमर प्रताप सिंह तुम्हारे पिता क्या हाँ नामिका उस रोज़ मार्केट में जब तुमने उन्हें देखा था और मैं तुम्हें वहाँ से ले आई थी मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि तुम उसकी और गीता की बेटी हो पर किस्मत उस रात एक बार फिर उन्हें तुम्हारे साथ ले आई उन्होंने न बल्कि तुम्हारी जान बचाई बल्कि हॉस्पिटल में रुक कर उन्होंने तुम्हारे फॉर्म में भी अपना नाम दिया पिता के रूप में वो इंसान चाहे लाख अच्छाई करे लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी वजह से मेरी गीता ने इतने दुख देखे थे अनामिका ये सब सुनकर अवाक थी उसके पापा दो बार उसके सामने थे और वह उन्हें पहचान नहीं पाई उसकी आँखों से आंसू बहने लगे तो राधा ने कहा मुझे माफ़ कर दो अनामिका मैंने तुम्हें उनसे दूर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है जिस दिन उसे पता चलेगा कि तुम उसकी बेटी हो तो वो तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए ले जाएगा अनामिका ने अपने आंसू पहुँचे और कहा हम कहीं नहीं जाएंगे आंटी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे हमें नहीं चाहिए उनकी करोड़ों की दौलत उनका स्टेटस और उनका ये उपनाम हम नफरत करते हैं उनसे सिर्फ नफरत कहते हुए वह राधा के गले से आ लगी और फूट फूट कर रो पड़ी राधा उसका सर सहलाती रही आज अनामिका को सच बताकर उसके मन का बोझ हल्का हो गया उसने अनामिका को चुप करवाया और उठकर टेबल पर रखा पानी लाकर उसकी ओर बढ़ा दिया अनामिका ने पानी पिया राधा टेबल की तरफ आई और चाय का कप देखा तो पाया कि चाय ठंडी हो चुकी थी उसने कप वापस रखते हुए कहा चाय तो ठंडी हो गई अनामिका उठी और कहा हम दूसरी बनाकर ले आते हैं आंटी राधा अनामिका के पास आई उसके गाल को छू कहा आंटी नहीं माँ तुम हमें माँ कहकर बुला सकती हो अनामिका मुस्कुरा दी और राधा के लिए चाय लेने चली गई राधा ने चैन की सांस ली और आकर आलमारी खोली उसमें रखी अपनी और गीता की बरसों पुरानी तस्वीर देखकर कहा मैंने अपना वादा पूरा किया गीता तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी छोटी बहू गीता की तस्वीर को देखते हुए वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कुछ देर बाद अनामिका उनके लिए चाय ले आई उसने राधा को चाय दी और वहीं बैठ गई राधा ने चाय का कप लिया और पीने लगी अनामिका देख रही थी आज राधा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था चाय पीते हुए राधा ने गुनगुनाना शुरू किया आगे का गाना अनामिका ने पूरा किया तो राधा मुस्कुराने लगी माँ और आप ये गाना कॉलेज में गाते थे ना एक साथ अनामिका ने पूछा हाँ हम दोनों अक्सर ये गाना गुनगुनाया करते थे ये फिल्म हमारी पसंदीदा भी थी आगे सुनाइए ना आंटी गीता के बिना अकेले इस गाने को गाने का मन नहीं करता हम है ना माँ की जगह हम गाएंगे तो मैं आता ही ये गाना राधा नेहरानी से पूछा हाँ हमने कई बार माँ को गुनगुनाते सुना था जब वो हमारे साथ थी क्या गीता भी गाती थी ये गाना राधा ने आँखों में चमक भर पूछा हाँ लेकिन खुलकर नहीं बस गुनगुनाती थी आप सुनाइए ना आगे राधा ने आगे गाना शुरू किया अनामिका ने भी वही लाइन दोहराई तो दोनों हंसने लगी शाम होने लगी थी आदित्य के आने का वक्त भी हो गया था अनामिका अपने कमरे में चली आई लेकिन अभी भी उसका मन बेचैन था वह शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी तो उसे अपने मन की आवाज़ सुनाई देने लगी अनामिका ये तू क्या कर रही है तू जानती है वो आदमी तुम्हें यहाँ से ले जाएगा तुम्हें कुछ तो तु ऐसा करना होगा जिससे वो तुम्हें यहाँ से ना ले जा सके पर क्या सोचो अनामिका ऐसा क्या है जो तुम्हें इस घर में रोक सकता है अनामिका अपने ही अंतर में जूझती रही और कुछ देर बाद उसके कानों में आदित्य के बाइक की आवाज पड़ी आदित्य आ चुका था अनामिका एक फैसला लेकर नीचे चली आई आदित्य घर आया आज से देर हो चुकी थी खाना खाकर वह ऊपर चला आया बालकनी में खड़ा हुआ फोन पर किसी से बात कर रहा था अनामिका वहाँ आ गई अनामिका को वहाँ देख आदित्य ने उसे कुछ देर रुकने का इशारा किया और फोन पर बात करता रहा आदित्य ने फोन जेब में रखा और अनामिका की ओर पलटा उसे परेशान देखकर आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर किया और कहा क्या हुआ नामिका तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है हाँ कहो ना आप हमसे कितना प्यार करते हैं ये कैसा सवाल है तुमसे प्यार है बस इसमें क्या कितना किस लिए शादी करेंगे हमसे अनामिका ने कहा तो आदित्य बोला प्यार किया है तो शादी तो करूँगा ना अनामिका अभी कर सकते हैं अनामिका ने बेचैन होकर पूछा ये तो मैं क्या हो गया है नामिका अभी शादी कैसे कर सकती हैं प्यार करते हैं तो शादी कर सकते हैं ना हाँ लेकिन अभी कैसे कर सकता हूँ नामिका अभी मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है बाकी लोगों की तरह बाहर जाना है तुम्हारे साथ ड्राइव पर जाना है साथ में मूवी देखनी है अच्छे मोमेंट शेयर करने हैं तुम्हारे साथ ये सब शादी के बाद भी कर सकते हैं आदित्य जी आदित्य ने नामिका का चेहरा अपने हाथों तो में लिया और प्यार से उसे अपने करीब लाकर कहा क्या हुआ है अनामिका तुम्हें तुम जानती हो इस वक्त मैं ऑफिस के कामों में इतना उलझा हुआ हूँ पापा को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं जैसे भाई आता है मैं सारा काम उन्हें सौंप कर पापा से हमारे रिश्ते की बात कर लूंगा वैसे अभी मैं शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ मेरे एग्जाम का रिजल्ट बाकी है वो ले जाएंगे हमें अनामिका ने रोते हुए कहा कौन कौन ले जाएगा तुम्हें तुम सिर्फ मेरी हो ऐसे कैसे तुम्हें कोई ले जा सकता है आप समझ नहीं रहे हैं अगर हमारी शादी हो गई तो फिर उनका कोई हक नहीं बनता हम पर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे आदित्य ने उसे संभाला और कहा अनामिका मेरी बात सुनो मेरे होते हुए कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ट्रस्ट में अनामिका अनामिका ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी आदित्य की बातों से पहली बार उसका विश्वास डगमगाने लगा था जैसे अनामिका जाने लगी आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा अनामिका ऐसे मत जाओ अनामिका रुक गई आदित्य उसके सामने आया उसके आंसू पहुँचे और कहने लगा बस कुछ वक्त की मोहलत चाहिए अनामिका मैं सब सही कर दूंगा तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा हम हमेशा साथ रहेंगे खुश रहेंगे बस कुछ वक्त मैं ऐसे एकदम से पापा से हमारी शादी की बात नहीं कर सकता अनामिका अपने प्यार को सही साबित करने का एक मौका तो दो मैं नहीं जानता वो कौन सा डर है जिससे तुम इतना परेशान हो रही हो पर मैं तुम्हें तो ऐसी हालत में नहीं देख सकता अनामिका ने आदित्य की आंखों में देखा और कहा अगर नहीं देख सकते तो फिर कर लीजिए ना शादी आदित्य खामोश हो गया वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे अनामिका ने उसे चुप देखा तो वहाँ से चली गई और इस बार आदित्य ने भी उसे नहीं रोका अनामिका अपने कमरे में चली आई उसके पीछे पीछे आदित्य आया और अवनी से कहा अवनी मुझे अनामिका से कुछ बात करनी है क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओगी ओके भाई अवनी ने कहा और कमरे से बाहर चली आई आदित्य अनामिका के पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा अब बताओ क्या बात है जब तक मैं तुम्हारे परेशान होने की वजह जान नहीं लेता तब तक मैं कोई फैसला कैसे कर सकता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता या फिर तो मैं धोखा दूंगा पर शादी जैसा फैसला इतनी जल्दी लेना भी ठीक नहीं है अब बताओ क्या हुआ आदित्य ने भरोसा जताया तो अनामिका ने उसे सारी बातें बता दी वो सब जानकर आदित्य भी एक पल के लिए थोड़ा परेशान हुआ पर अगले ही पल उसने अनामिका को बेड पर बैठाते हुए कहा बस इतनी सी बात है अगर ऐसा है तो चलो कर लेते हैं शादी पर उसके बाद क्या अनामिका ज़िंदगी में ऐसे बहुत सी सिचुएशन तुम्हारे सामने आएंगी उनका सामना कैसे करोगी तुम अनामिका तुम एक समझदार और होनहार लड़की हो तुम्हें सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए अनामिका को आदित्य की बात है अब कुछ कुछ समझ आ रही थी आदित्य ने बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना अनामिका अनामिका आदित्य के गले आ लगी और कहने लगी हमें माफ कर दीजिए हम डर गए थे हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको छोड़कर नहीं जा सकते हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उस वजह से हमने आपसे न जाने कुछ क्या बोल दिया हमें माफ़ कर दीजिए आदित्य नामिका का सर सहलाते हुए कहा तुम गलत नहीं हो नामिका मुझे खोने के डर से तुमने वो सब कहा और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा मैं बस इतना चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लो तो वो मजबूती से लो मजबूरी में नहीं तो मेरी कमजोरी हो अनामिका लेकिन मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ अनामिका आदित्य से दूर हुई और नज़र झुका कहने लगी हमने हमेशा वो खोया है जो हमारे सबसे करीब रहा है अपना परिवार अपनी माँ बस अब आपको नहीं खोना चाहते हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए बस आप चाहिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अनामिका तो बताओ कब करें शादी आदित्य ने शरारत से कहा अनामिका ने उसको देखा और उसके कंधे पर सर टिकाते हुए कहा हमें शर्मिंदा मत कीजिए नहीं मैं सीरियस हूँ बताओ तुम कहो तो अभी जाकर पापा से बात कर लेता हूँ अनामिका ने उसे रोक लिया और कहा आदित्य जी अभी नहीं पहले आप अपने सपने को पूरा कीजिए हम इंतजार करेंगे आदित्य एक बार फिर उसके सामने आ बैठा और कहा देखो अनामिका मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा हम एक दूसरे के हैं हमें यह किसी को जताने की ज़रूरत नहीं है हमारे रिश्ते में प्यार के साथ साथ भरोसा होना ज़रूरी है हमें यहाँ पर भरोसा है पर अपनी किस्मत पर नहीं बदल दूंगा उस हर किस्मत को बदल दूंगा जिसमें हमारा बिछड़ना लिखा है आदित्य ने आँखों में विश्वास भर के कहा अनामिका बस उसकी आंखों में देखती रही कुछ देर बाद आदित्य अपने रूम में चला आया अनामिका की बातें सुनकर अब आदित्य को भी थोड़ा सा डर होने लगा था उसने किसी से इस बारे में बात नहीं की क्योंकि वह किसी को परेशान नहीं करना चाहता था बल्कि अपने ही स्तर इस पर इसे क्लियर करना चाहता था देर रात आदित्य सोने चला गया सुबह देर से उठा क्योंकि संडे था और आज शाम उसे किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना था आदित्यनाहा का नीचे आया घर के सभी लोग वहीं थे आज राकेश आदित्य को कुछ ज़्यादा ही खूर रहे थे और फिर कहा आदित्य नाश्ते के बाद मुझे हॉल में मिलो तुमसे कुछ बात करनी है ठीक है आदित्य ने कह तो दिया लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि पापा को आखिर उससे क्या बात करनी होगी नाश्ते के बाद आदित्य हॉल में चला आया आदित्य के साथ साथ बाकी सब घर वाले भी चले आए अनामिका डाइनिंग के पास ही थी तो राकेश ने कहा अनामिका तुम भी आ जाओ अब तो आदित्य के साथ साथ अनामिका को भी टेंशन होने लगी थी कि आखिर राकेश ऐसे क्या बात करना चाहते हैं हाँ तो आदित्य कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस का काम राकेश ने सहजता से सवाल किया ठीक चल रहा है पापा राकेश बात क्या है सबको इकट्ठा क्यों किया है तुमने दादू ने बात की गंभीरता को समझते पूछा राकेश जी उठे और एक नज़र आदित्य की ओर देखा और फिर कहने लगे जो लड़का सुबह देर से उठता था रात में घर से बाहर रहता था किसी की बात नहीं सुनता था गुस्सा करता था यहाँ तक कि उसके पास अपने परिवार के लिए भी वक्त नहीं हुआ करता था आज उस लड़के में काफी बदलाव देख रहा हूँ मैं पापा आदित्य ने सुना तो अनामिका की ओर तो कभी राधा की ओर देखता वो अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है खुद में काफ़ी बदलाव कर चुका है तो मैं सोच रहा था क्यों ना उसकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ थोड़ी और बढ़ाई जाए तुम किसकी बात कर रहे हो और कैसी जिम्मेदारियाँ दादी ने पूछा माँ मैं आदित्य की शादी की बात कर रहा हूँ जनाब आजकल ऑफिस जाने लगे हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए राकेश की बातें सुनकर राधा मन ही मन मुस्कुरा रही थी आदित्य ने सुना तो अचानक से कहा पापा इतनी जल्दी शादी मेरा मतलब अभी तो मेरा रिजल्ट बाकी है हाँ तो क्या हुआ पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रख सकते हो शादी वो भी आदित्य की अभी इसकी उम्र ही क्या है पच्चीस का तो हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही घर में आकाश की शादी हुई है वो सब ठीक है लड़की कहाँ है फिर से कहीं मोना जैसी लड़की तो नहीं ढूंढ आए तुम दादी माँ ने पूछा लड़की हमारे घर में ही है कौन दादू दादी और अमनी ने एक साथ कहा जबकि अनामिका और आदित्य का दिल धड़क रहा था राकेश अनामिका की ओर आया और कहा अनामिका मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो लड़की अनामिका है आदित्य के लिए मैंने इसे चुना है जैसे ही राकेश ने अनामिका का नाम लिया अवनी राधा दादू और दादी सभी खुश हो गए और अनामिका आदित्य हैरानी से राकेश की ओर देखने लगे उन्हें इस तरह हैरान देखकर राकेश कहने लगे तुम दोनों को क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तुम दोनों का एक दूसरे की परवाह करना एक दूसरे के लिए परेशान होना इसमें आए सारे बदलाव और इसके गुस्से में कम होने के पीछे की बजाय मैंने अनामिका को ही पाया है और तो और ऑफिस में दिन भर में पंद्रह से बीस बार इसके मुझे अनामिका का नाम सुनने को मिल जाता है सबको और जाकर मुझे महसूस हुआ कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं अब जब दोनों में इतना प्यार ही है तो शादी कर देनी चाहिए पर आदित्य को देखकर लग नहीं रहा था कि वो शादी के लिए तैयार है मैं तो तैयार हूँ पापा आदित्य ने तपाक से कहा तो राकेश के साथ साथ सभी हंस पड़े और अनामिका ने शरमा कर अपनी के झुका ली राकेश उसके पास आए और सर पर हाथ रखते हुए कहा आदित्य के लिए तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता बेटा अगर तुम हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो इस घर की छोटी बहू बनकर अनामिका ने राकेश के पाँच छूने चाहे तो राकेश ने उसे सीने से लगाकर कहा बेटियों से पैर नहीं छुआते अनामिका की आंखों से आंसू निकल आए ये सोचकर कि एक वो पिता जो बचपन में उसे मारना चाहते थे और एक ये राकेश जो उसे बेटी का दर्जा दे रहे थे राधा ने देखा तो अनामिका के पास चली आई और उसके आंसू पहुँचते कहा क्या आप भी बच्ची को रुला दिया अरे ये तो विदाई के आंसू हैं अवनी ने हुए कहा आदित्य को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि राकेश की को की और अनामिका की शादी करवाने को तैयार है उसे हैरान परेशान देखकर राकेश उसके पास आए और कहा क्या बात है तू खुश नहीं है पापा ये सब आपको कैसे पता मेरा मतलब अनामिका और मेरे रिश्ते के बारे में तुम्हारे जैसी औलाद पैदा करके इस घर में छोड़ चुका हूँ इतनी सी बात नहीं समझूंगा कि तुम्हारी आंखों में आजकल किसका चेहरा घूम रहा है राकेश ने आदित्य को ताना मारते हु आदित्य झेप गया और दादू की तरफ देखने लगा तो दादू ने दूसरा ताना मारते हु बाप बाप होता है बेटा आदित्य ने वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी जाने लगा तो राधा ने कहा तुम कहाँ चले इधर आओ आदित्य उनकी ओर आया तो राधा ने अनामिका का हाथ आदित्य के हाथों में रखकर कहा आज से इसका ख्याल अब तुम्हें रखना है और अनामिका अगर ये तुम्हें परेशान करे ना तो इसकी शिकायत तुम इनसे कर सकती हो जी आंटी आंटी नहीं मम्मी जी की आदत डाल लो छोटी बहू अवनि ने अनामिका को छेड़ते हुए कहा और भाग गई अनामिका भी उसके पीछे दौड़ पड़ी उसके जाने के बाद राकेश ने आदित्य से गंभीर होकर कहा देखो आदित्य अनामिका का हम लोगों के सेवा कोई नहीं है उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो मैं ख्याल रखूंगा पापा राकेश ने आदित्य को गले लगाया और फिर किसी काम से बाहर चले गए आदित्य बहुत खुश था उसे अनामिका मिल चुकी थी अब कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं थी उसने जीजू को फ़ोन किया और सारी बातें बता दीं जीजू ने सुना तो खुशी से उछल पड़े तनु ने भी आदित्य से बात की और उसे बधाई दी ऊपर अपनी अनामिका को परेशान कर रही थी पर दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश थी को आकाश और भी बिखर आ गए अवनी ने जब उन्हें इस बारे में बताया तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा आकाश आदित्य से मिला और उसे गले लगकर कहा कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे भाई मैं तुम दोनों के लिए आज बहुत खुश हूँ थैंक यू भाई एंड लव यू आप सबके सपोर्ट से ही आज मैं अनामिका के साथ हूँ साल की आखिरी शाम थी वो तो आकाश और नेता ने प्लान बनाया कि आने वाले साल को सेलिब्रेट करते हैं आकाश को नेता का आइडिया पसंद आया तो उसने मंजूरी दे दी नेता ने अपनी और अनामिका की मदद से ऊपर छत पर डेकोरेशन किया अवनी जैसे ही लाइटिंग लगाने लगी अनामिका ने कहा अवनी कुछ नया ट्राई करते हैं ना वहाँ स्टोर रूम में दीपक रखे है पानी कटोरी में दिए जलाते हैं अच्छा लगे यह गुड आइडिया अनामिका नीता ने कहा अवनी और अनामिका दीपक ले आई और उनमें बत्तियां लगाने लगी जब सब तैयारी हो गई तो नीता से उनके साथ चली आई और उन्हें भी तैयार होने को कहा अवनी ने जीन्स और कुर्ता पहना और अनामिका ने अनारकली सूट के साथ में उसने बजने वाली पायल भी पहन ली राधा ने उसके लिए खरीदी थी सभी तैयार होने में लगे थे अभि को अभी भी पोतियों की सजावट भी करनी थी इसलिए वह अनामिका को साथ लेकर ऊपर चली आई शाम के साथ बज रहे थे और लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थीं अनामिका और अभिनी ऊपर आई तो अपनी पानी से भरे उस बड़े से बर्तन के पास आई अनामिका जैसी आने लगी उसे महसूस हुआ उसके सूट की डोरी खुली हुई है उसने अभि से कहा अब तुम जलाओ हम ये डोरी बांध ले फिर आते हैं ठीक है कहते हो अब ने मोमबत्ती जलाई और एक एक करके दीपक जलाने लगी अनामिका डोरी बांधने की कोशिश करने लगी लेकिन उसका सूट इतना फिटिंग में था कि वो ठीक से हाथ भी नहीं मोड़ पा रही थी ना ही उस डोरी को बांध पा रही थी आदित्य फोन पर बात करते हुए ऊपर पहुंचा जैसे उसकी नज़र अनामिका पर पड़ी वह फ़ोन पर बात करना भूल गया और अनामिका की ओर बढ़ा अनामिका उसकी ओर पीट करके खड़ी थी और अभी भी डोरी बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी आदित्य ने आकर उसके हाथ से डोरी ली और बांधते हुए कहने लगा अब तो मुझे इन सब कामों के लिए पूरे हक से कह सकती हो अनु जैसे जैसे आदित्य की उंगलियां अनामिका के पेट को छूती जा रही थी एक सिरहन उसके में दौड़ रही थी उसने बेचैनी से पलट आदित्य से कहा अनामिका से अनु हाँ काव्य की तरह मैं भी तुम्हें इस नाम से बुलाऊंगा आदित्य ने अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा अनामिका भी उसकी आँखों में देखने लगी वहाँ पानी के बर्तन के पास बैठी अपनी दोनों को देख रही थी और फिर उठकर उनके पास आई उसने मोमबत्ती और माचिस अनामिका को देकर कहा बाकी के दिए तुम दोनों जला लेना मैं नीचे जा रही अपने चली गई तो आदित्य और अनामिका पानी के उस बर्तन के पास आए और दोनों आमने सामने बैठकर दिए जलाने लगे अनामिका का चेहरा उन दियों की रोशनी में और भी जगमगा रहा था आदित्य बस एकटक उसे देखता रहा अनामिका ने आदित्य को ऐसे अपनी ओर देखते हुए पाया तो पूछ बैठी आप ऐसे क्यों देख रहे हैं यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मेरे सामने बैठी है क्या सच में मेरी होने वाली है अच्छा तो अभी दिला देते हैं यकीन कहते हुए अनामिका ने अपनी हथेली में पानी भरा और आदित्य पर उछाल दिया ठंड थंड़ में ठंडा पानी गिरने से आदित्य पल को सहर उठा और कहा अनामिका की बच्ची कहते हुए आदित्य उसकी ओर लपका लेकिन अनामिका उठकर भागने लगी वो उसे चढ़ाते हुए आगे और आदित्य उसके पीछे उसके पैरों में पहनी पायलों के घुंघरू की आवाज गूंज रही थी आदित्य ने भागते हुए उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचकर कहा मुझसे बचकर जाना इतना भी आसान नहीं है अनामिका की कमर पर आदित्य का हाथ था और दूसरे हाथ में उसका अनामिका के एक हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था बेचारी अनामिका ऐसे में क्या करती उसकी सांसें तो आदित्य के नज़दीकियों से ही रुक जाया करती थीं उसने धीरे से कहा छोड़िए कोई आ जाएगा आने दो किसी ने देखा तो क्या सोचेंगे देखने दो आदित्य की आंखें अभी भी अनामिका की आंखों में ही देख रही थी अनामिका उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी आदित्य ने उसे अपने हाथों में उठाया और दीवार पर बैठा दिया अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य क्या करने वाला है आदित्य ने अनामिका से अपना दुपट्टा देने को कहा अनामिका ने दुपट्टा उसके ओर बढ़ा दिया आदित्य ने दुपट्टा लेकर अनामिका के सर पर उड़ा दिया अनामिका बस हैरानी से आदित्य को देख रही थी आदित्य ने अपने कान में पहने वाली निकाली और अनामिका के नाक में पहना दी अनामिका बहुत प्यारी लग रही थी आदित्य तो बस उसे देखता ही रह गया उसने अपने फोन में अनामिका की तस्वीर ली और दिखाते हुए कहा इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अनामिका ने देखा वो उस नोच पेन में बहुत अच्छी लग रही थी उसने आदित्य की ओर देखा और कहा इसमें क्या खास है इस तस्वीर में जो लड़की है वो खास है एक ऐसी लड़की जिसे किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए आपका प्यार ही सबसे बड़ा श्रृंगार है अनामिका ने कहा और नाक से बाली निकाल कर आदित्य के कान में पहनाने लगी तो आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा तुम रखो ना तुम पर अच्छी लगती है आप पहने या हम एक ही बात है पर यह आप पर ज्यादा अच्छी लगती है सड़ू अनामिका ने कहते हुए बाली आदित्य के कान में वापस पहना दी और उसके गाल को अपने होठो से छुआ दुपट्टा सर से खिसक कर गले में आ गया आदित्य तो अभी भी अपना हाथ अपने गाल से लगाए अनामिका के चुवन को महसूस कर रहा था आकाश नीता और अपनी भी ऊपर चले आए उन्हें देखकर अनामिका जल्दी से दीवार से नीचे उतरी लेकिन पाँव पूरा जमीन पर नहीं टिक पाया और वह नीचे जमीन पर आ गिरी साथ में आदित्य को भी ले गिरी उन दोनों के गिरने से अग्नि आकाश और नीता तीनों हंसने लगे अनामिका और आदित्य भी हंस पड़े चारों बातें करते हुए समय काट रहे थे बोपल सबके लिए बहुत खूबसूरत था दस बजे बाद राकेश राधा दादू और दादी भी ऊपर चले आए रघु ने सबके लिए खाने का इंतजाम ऊपर ही कर दिया था बारह बजने में काफ़ी वक्त था इसलिए सभी मस्ती करने लगे छत के बीचों बीच आग जलाई गई और सभी उसके चारों ओर बैठ गए हालांकि ठंड काफ़ी थी लेकिन आग की वजह से थोड़ी राहत थी सभी अपने अपने अच्छे वक्त के बारे में बातें कर रहे थे अनामिका और आदित्य एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे उन्हें ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई दे रहा था वो अपने ही दुनिया में खोए हुए थे जैसे बारह बजे सबने एक साथ नया साल सेलिब्रेट किया आने वाले साल के लिए एक दूसरे को बधाई दी और सभी खुशियाँ मना रहे थे और इस बीच अवनी कहीं गायब थी तुम तो यहाँ क्या, क्या कर रहे हो अवनी ने दवी आवाज़ में बालकनी में लटके हनी से पूछा तो मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलने आया था हनी ने लटके लटके ही कहा डफर वो तो फ़ोन पर ही बोल सकते हो ना यहाँ इतनी रात में ऐसे क्यों आए हो घर में किसी ने देख लिया तो मेरी वोट लग जाएगी अरे किसी ने नहीं देखा सब उधर बिजी हैं हनी ने कहा तो अब नहीं बोली हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया ना अब जाओ यहाँ से इससे पहले माँ पापा देख लें प्लीज हनी ऊपर आया और कहा ऐसे कैसे चला जाऊँ अभी तक तुमने मुझे विश भी नहीं किया ओ गॉड ओके हनी हैप्पी न्यू ईयर आई विश तुम्हारी हर विश पूरी हो थैंक यू अब जाओ अपनी अभी भी बार बार मुड़कर देख रही थी तुम ना एक नंबर की फट्टू हो मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम बार बार उधर देख रही हो तो इतनी रात में क्यों आए हो ताकि मैं अपने नए साल की शुरुआत तुम्हें देख कर कर सकूँ हनी ने बड़े प्यार से अपनी की आंखों में देखते हुए कहा हनी के इस बात पर अभिनी खामोश हो गई दोनों खामोश खड़े एक दूसरे की आंखों में देखते रहे तभी अवनी के कानों में राकेश की आवाज पड़ी अवनी कहाँ हो तुम राकेश की आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ा गई और हनी से कहा जल्दी जाओ यहाँ से जाओ जाओ प्लीज़ पापा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे हनी बालकनी से लटक कर नीचे वाले फ्लोर पर आया और फिर नीचे गार्डन में कूद गया अबनी वहाँ खड़े उसे जाते हुए देख रही थी तभी पीछे से राकेश ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा चलो वहाँ सब तुम्हें तो बुला रहे हैं अबनी ने चैन की सांस ली राकेश ने हनी को नहीं देखा था वह उनके साथ बाकी सबके बीच चली आई